आज कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। आज हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सस्पेंस खत्म हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आज होने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि आज रात को कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जारी हो सकती है कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है उम्मीदवारों की। हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और बाकी 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। लेकिन कब तक उम्मीदवारों का ऐलान होगा इस बारे में स्थिति अभी तक साफ नहीं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज रात को लिस्ट सामने आ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का आज ऐलान होने की संभावना है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में बताया जा रहा है कि आज रात को कांग्रेस की हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है? बिल्कुल हितेंद्र, आज कहा जा रहा था कि हरियाणा की सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर आज सूची जारी कर दी जाएगी, पर ऐसा संभवतः होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज ही अध्यक्ष उदय भान ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा गया है कि थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, यानी 2 से 3 दिन को और इंतजार संभवतः सभी 9 उम्मीदवारों को लेकर किया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम कहीं ना कहीं तय किए जा चुके हैं, 6 लोकसभा सीटें हैं जहां अब भी नाम तय करना बाकी है। वहीं बात करूं अगर जो छोटी सीसी बनाई गई थी उसके द्वारा पैनल तैयार किए जा चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी सीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष को वो पैनल भेजा जा चुका है, मगर फिर भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि आखिरी मोहर जो लगना है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाया जाएगा, मगर फिर भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो वापस उस पैनल को वापस भेजा जाएगा, सीसी में वापस से बैठकें की जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, वहां पर डिस्कशन किए जाएंगे और फिर से वापस से एक नया पैनल बनाया जाएगा और आगे मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जाएगा। तो कह सकते हैं अभी हरियाणा की सूची को लेकर भी इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा। हालांकि अध्यक्ष के द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी 9 उम्मीदवारों के नाम एक साथ आए ये जरूरी नहीं है, कुछ उम्मीदवारों के नाम आ भी सकते हैं। तो संभवतः इंतजार किया जा रहा है, आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सूची सामने आ सकती है, 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं, वहीं बाकियों को लेकर अभी थोड़ा इंतजार संभवतः और करना पड़ सकता है। डिस्कशन और किए जाएंगे, चर्चाएं और की जाएगी और उसके बाद संभवतः कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में बाकियों को लेकर यानी पूरे 4 से 5 सीटों को और लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और 2 से 3 दिन में स्पष्ट रूप से सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल अपराजिता, जैसा कि आपने बताया कि पहले कुछ और नाम जो है वो जारी किए जा सकते हैं जिन पर सहमति बन चुकी है। ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, और वो कौन सी सीटें जिन पर अभी पेंच फंसा हुआ? जो बिल्कुल 3 वो लोकसभा सीटें हैं यानी रोहतक, सिरसा और अंबाला, वो 3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम कहीं ना कहीं तय किए जा चुके हैं। रोहतक की मैं बात करूं तो दीपेन हुड्डा का नाम तय किया गया है। अगर मैं याद भी है जब भी पहली सीसी हुई थी तो स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नाम भेजे गए थे पैनल में, रोहतक में केवल 1 नाम डाला गया था। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि रोहतक से दीपेन हुड्डा ही लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कुमारी शैलजा का तो 2 जगह उनका नाम डाला गया था, अंबाला लोकसभा सीट से, वहीं सिरसा लोकसभा सीट से भी उनका नाम डाला गया था। सूत्रों की माने तो सीसी की बैठक जब हुई थी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे, तो सूत्रों की माने तो कुमारी शैलजा के द्वारा कहा गया था कि मुझसे कोई ओपिनियन नहीं लिया गया है, अगर मेरी माने तो मैं सिरसा लोकसभा सीट से उतरना पसंद करूंगी। तो सूत्रों की माने तो सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा का नाम सामने आ सकता है। वहीं अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला से भी एक नाम तय किया गया है, वरुण मुलाना का नाम, तो कह सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं अंबाला से। तो ये 3 लोकसभा सीट है जहां लगभग नाम तय किए जा चुके हैं, बचे हुए सीट पर अभी भी दावपेच फंसा हुआ है। साफ तो खास तौर पे सोनीपत और गुरुग्राम वो लोकसभा सीट है जहां पर अभी दावपेच फंसा हुआ है। गुरुग्राम की मैं अगर बात करूं तो वहां भी 2 नाम डाले गए हैं, अब किसके नाम पर आखिरी मोहर लगता है ये देखने वाली बात होगी। वही अगर मैं महेंद्र भिवानी की बात करती हूं तो 2 नाम उम्मीदवार के रूप में नजर आ रहे हैं, एक श्रुति चौधरी, दूसरा रावदान सिंह। श्रुति चौधरी की मैं बात करूं तो किरण चौधरी की बेटी है, हमने देखा था अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पहले श्रुति
मंत्री किरण चौधरी ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, संभवतः अपनी बेटी के सीट को लेकर मुलाकात हुई होगी। अब देखने वाली बात होती है क्या कुछ रहता है। वही अगर दूसरा नाम की मैं बात करूं तो रावदान सिंह की दावेदारी देखने को मिल रही है। रावदान सिंह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। हमने देखा था कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी भूपेन्द्र हुड्डा और साथ ही अध्यक्ष उदय भान ने भी। तो कह सकते हैं अभी जो दिल्ली की राजनीति की मैं बात करूं, अगर हरियाणा को लेकर थोड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। लगातार हाईकमानों से मुलाकातें की जा रही है, अपने अपने दावेदार को उतारने के लिए कोशिश की जा रही है कि उनके जो प्रस्तावित दावेदार है वही लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए। साथ ही अगर मैं कैप्टन अजय यादव की बात करूं, जिनका गुरुग्राम से नाम चल रहा है राज बब्बर, और साथ ही कैप्टन अजय यादव का नाम भी चल रहा है, तो कैप्टन कहा जा रहा है कि कैप्टन अजय यादव ने भी कुछ टॉप लीडर से मुलाकात की है। हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि मैंने आवेदन नहीं डाला है, अगर मुझे मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, यदुवंशी हूं मैं, बिल्कुल पूरे टक्कर का मुकाबला तरीके से, इस तरह की चीजें कही गई थी। हालांकि उनके द्वारा भी मुलाकात की गई है टॉप लीडर से। अब देखने वाली बात होती है कि किसके नाम पर आखिरी मोहर लगता है, किसके नाम को काटा जाता है, और आखिर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो भी प्रस्तावित नाम गए हैं तो वह वापस कितने सीटों पर बात नहीं बन पाती है, वापस से कितनी सीटों पर और डिस्कशन होंगे और किस सीटों पर आखिरी मोहर लगा दिया जाएगा। जी क्या अभी कोई और बैठक किए जाने की भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि अपराजिता एक दो दिनों में? बिल्कुल हितेन, कह सकते हैं कि अभी और भी बैठकें हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अध्यक्ष उदय भान के द्वारा कहा गया है कि अगर बात नहीं बन पाती है, यानी सभी 9 सीटों को लेकर उम्मीदवार के नाम भेजे जा चुके हैं अध्यक्ष को, अगर नहीं बन पाती है बात तो वापस से बैठकें की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि कल या परसों में एक दो और बैठकें हो सकती है जिन नामों पर अभी भी चर्चाएं करनी बाकी है, बात नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पाई है, उन सीटों पर अभी और भी चर्चा होनी बाकी है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में अभी हरियाणा को लेकर और भी बैठकें हो सकती है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी कांग्रेस की जो लिस्ट आनी बाकी है उस पर अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि संभावनाएं हैं आज भी लिस्ट जारी की जा सकती है और उसमें कुछ नाम शामिल हो सकते हैं और हो सकता है सभी 9 सीटों पर भी ऐलान कर दिए जाएं, लेकिन अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी भी असमंजस की स्थिति में नेता दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से अपराजिता ने बताया कि हरियाणा न्यूज पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जो जानकारी दी थी उसमें इसी तरह का उनका हाव भाव लगा, जैसे अभी भी असमंजस की स्थिति बन रही है।